तो क्या हाल चाल दोस्तों आप क्या हो आप सभी मजे में होंगे गाइस तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन प्लस के सब ब्रांड के बारे में यानी नोट लॉन्च किया उसके बाद एक और तगड़े वाला दोस्तों यहाँ पे फोर लॉन्च करने वाला है वन प्लस नोट टू तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई साहब आखिर वन प्लस को इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू होने के बाद भी अपना नोट सीरीज क्यों बनाना पड़ा और इसके पीछे क्या सारे रीजन हो सकते हैं जी हाँ तो जानेंगे वीडियो को लास्ट तक देखते रहो पसीने से लथ पथ अग्निपथ अग्निपथ <laughs> तो यहाँ पर ने जो सबसे पहला डिजाइन के आता है दोस्त मेरे वो ये है कि वन प्लस एक ऐसा पहला ब्रांड नहीं है जिन्होंने एक सब ब्रांड क्रिएट करा है ये भी दोस्तों यहाँ पे सब ब्रांड के अंदर में भी में ही आता है ठीक है ना लाइक बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग जानते होंगे तो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में वन प्लस आता है आइको आता है यहाँ पे रियल मी आता है ओप्पो आते हैं वीवो आते हैं ये सारे के सारे ब्रांड दोस्तों यहाँ पे आते हैं और वन प्लस के अंदर में ये लोग नॉड सीरीज जो है वो यहाँ पे इन्होंने रखा है तो यहाँ पे ये वन प्लस के अंदर में आ गए जैसे यहां पे आपको पता है रेडमी के अंदर में पोको आता है और यहाँ पे इसके मेन भागना अच्छा है यार तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं भाई एम के अंदर भी पोको आता है रेडमी आता है शोमी आता है ये सारे एक ब्रांड के हो गए तो इन सभी ने दोस्तों यहाँ पे अपना सब ब्रांड क्रिएट करा है ठीक है ना इसी तरह से वन प्लस भी अपना नोट को जो है वो एक सब ब्रांड की तरह ट्रीट करता है है ना तो यहाँ पे भाई सवाल एक क्लिक होता है कि आखिर ये लोग भैया ब्रांड न्याम ही क्यों चेंज करते थे जबकि सैमसंग वगैरह जो है अपना एक सीरीज दोस्तों यहाँ पे सिर्फ नाम देते लाइक एस सीरीज हो गया या फिर एम सीरीज या फिर एफ सीरीज़ और वहाँ पर क्या कहते हैं मल्टीपल फोन लॉन्च करते हैं लेकिन वहाँ पर सैमसंग की जो ब्रांड होती है वही सैमसंग ब्रांड लिखा आता है लेकिन ये आप ये चाइनीज कंपनियाँ भाई साहब यहाँ ब्रांड नेम ही चेंज कर, कर देती हैं तो देखो इसके पीछे का रीजन ये है भाई साहब कि अपने कंपनी का ना काम करने का तरीका अलग अलग होता है किसी के लिए वो चीजें वर्क करती है किसी के लिए नहीं करती है तो ये सारी चीजें हो जाती है लेकिन सिंपल सा कहना ये है कि भाई यहाँ पे जो सब ब्रांड क्रिएट करते हैं ना वो एक अलग ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये लोग क्रिएट करते हैं लाइक गेमिंग वाला ऑडियंस हो गया उसके लिए लाइक इन्होंने पोको बना दिया है ना लाइक एक आ, कैमरा वाला जो है वो यहाँ पे, पे यूज़र हो गया उसके लिए एक अलग ब्रांड बना दिया लाइक यहाँ पर एक मल्टीपल जिनको कैमरा भी चाहिए अच्छी मतलब ओवरऑल एक फ़ोन चाहिए तगड़े वाला तो उसके लिए एक अलग से दोस्तों यहाँ पर ऑडियंस बना दिया तो इस तरह से दोस्तों ये लोग सब ब्रांड क्रिएट करते हैं जैसा कि यहाँ पर नोट को भी ले लो है ना यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं मिड रेंज जो भी आते हैं उसके अंदर में ये लोग जो है यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो ये सारी दोस्तों यहां पे बातें हो जाती है

ना, क्या हुआ जो लाइक पच्चीस हजार तीस हजार चालीस हजार रुपए के बीच में जो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा था जिसके बीच में दिमाग लगाया अपना और यहां पर वन प्लस को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में कि भाई ये लो सस्ते वाला माल मसाला हम अभी भी आपको देंगे और इसकी वजह से यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वन प्लस को क्रिएट करना पड़ा क्योंकि आप लोग को पता है लाइक पच्चीस But is that... But, but is, uh...

उससे नीचे में कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुश्किल है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई वन प्लस भी काफी अच्छा एक ब्रांड है लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं भाई उसके मतलब जो बीस हजार के नीचे में फोन लॉन्च कर रहे हैं ना उसके पीछे मतलब ये लोग कचरा डाल रहे हैं मैं यही बोल रहा हूं कचरा डाल रहे हैं आप मानो यार अठारह हजार का एक फोन लॉन्च हुआ जो वन प्लस एन हंड्रेड था ठीक है ना वहां पे हमें क्या था भाई आईपीएस पैनल मिलता था जो कि एच डी प्लस रेजुलेशन दे रहा है उसमें बताओ एफ एच डी एच डी प्लस ऊपर से यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर 18000 के रेंज में 15000 के रेंज में है ऊपर से 13 एम का यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ना ये सारे चीज़ें भाई साहब इनको इफेक्ट करेगी ब्रांड वैल्यू पर और ये सारी चीज़ें इनको नहीं करना चाहिए है ना आप जिस जिस सेगमेंट में आप लोग अच्छे चल सकते हो उसी सेगमेंट में रहो उसी सेगमेंट में आपकी ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी पच्चीस में कंपीट करो करो तीस हज़ार पैंतीस इससे ऊपर में जाओ आप लोग लेकिन इससे अगर नीचे में लॉन्च करते हो तो करो लेकिन भाई साहब कम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए नहीं तो आपका ब्रांड वैल्यू भाई साहब यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो ये बात का आप लोग ध्यान में रख लेना तो भाई साहब इस तरह के फोन आप लोग मत लेना क्योंकि भाई साहब ये फोन क्या है ये तो टट्टी है थैंक यू तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में जरूर से बताना और मुझे पता है भाई आज एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी क्योंकि भाई दोपहर के टाइम में शूट कर रहा हूँ शूटिंग के टाइम भाई पंखा चला नहीं सकता गर्मी में मरना पड़ेगा क्योंकि भाई वॉइस में आवाज़ आजी की फिटर तो दिक्कत हो जाएगी ऊपर से भाई सब धूप इतना है बहुत दिक्कत हो रही है तो आप लोग को बीडी वीडियो तो बनाना ही होता है तो भाई बता देना कैसा लगा ये वीडियो और थोड़ी सी शक्ल देख के आपको दया आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से दबा देना यार इतने मेहनत इतने करता हूँ यार गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तब भी सब्सक्राइब नहीं दबाते ये गलत बात है यार दबा दो यार प्लीज़ और बस मैं भी तब तकलीफ डू तब तकलीफ बाय बाय